पलामू उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला चयन समिति श्री रंजन की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक स्तर 2022-2023 में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में नामांकन हेतु बैठक समारोह के सभागार में की गई। बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित सूची को ही जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। जिले में संचालित 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 9 स्वरिक्त स्थानों के विरुद्ध 834 बालिकाओं का नामांकन सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसी क्रम में 8 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में 4 स्वरिक्त स्थानों के विरुद्ध 268 बालिकाओं का नामांकन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के रिक्त पड़े 66 एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में 132 सीटों को जल्द भरने की बात कही। इसके लिए उन्होंने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं वार्डन को अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराने की बात की। उपायुक्त ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से रिक्त पड़े सीटों को भरने में अपना योगदान देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भी सीटें खाली न रहे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने नामांकन में आदिम जनजाति के समुदाय को प्राथमिकता देने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाई स्तर और भी दुरुस्त करने एवं सुधारने में वार्डन के स्तर को और भी दुरुस्त करने एवं सुधारने में वार्डन की अहम भूमिका है। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी वार्डनों से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अच्छे तरीके से करने पर बल दिया। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का रिजल्ट बेहतर कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त श्री रंजन ने मैट्रिक व इंटर में कस्तूरबा विद्यालय के बालिकाओं द्वारा प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई, जिसके पश्चात उन्होंने सदर चैनपुर व सतबरवा के कस्तूरबा विद्यालय में संबंधित वार्डन को मैट्रिक एवं इंटर के रिजल्ट में सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान किसी को भी कोई भी परेशानी होती है तो वे सीधे जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी से सीधे संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं।